पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। कोरोना ने पूरे दुनिया के मुल्कों को चिंतित कर दिया है। इस देश की तो आबादी 130 करोड़ आबादी का देश है, लॉकडाउन रखा, अनलॉकडाउन शुरू हुआ, अभी तक संख्या बढ़ती जा रही है अनलॉक के बावजूद भी। रोज आंकड़े आप देखते हैं, 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोग मरना किसे कहते हैं महामारी से देश के अंदर? उसके अंदर क्या जरूरत पड़ गई ये 3 काले कानून लाने की? इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी? जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? किसान है, कृषि मंडी है, राज्य सरकारें हैं। बगैर उनको पूछे हुए कानून बना देना, जो अधिकार राज्य सरकारों का है कृषि पर, और कानून बना रही भारत सरकार एक तरफा बिना पूछे हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए। पार्लियामेंट में कहा गया भाई आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, पार्लियामेंट कमेटी में भेज दो, उस कमेटी के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, एमपी होते हैं, चर्चा कर लेंगे, सर्कुलेट हो गया पूरे मुल्क में, राष्ट्रीय बहस छिड़ जाएगी कि इस कानूनों के अंदर क्या खामी है, क्या कमी है, क्या खासियत है, वापस पार्लियामेंट में आएंगे सिफारिश के साथ में, उसके बाद में बहस कर लेंगे। नहीं माना गया। और जो तमाशा हुआ आप सबने देखा है कि राज्यसभा के अंदर क्या होगा, लोकसभा में तो एक तरफा मेजोरिटी है, पास कर दिया गया, डिवीजन मांगा गया वोट का नहीं दिया गया, ऐसा कभी होता है क्या? विपक्ष डिवीजन मांग रहा है वोट के लिए क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी, आपने परवाह नहीं करी किसी की भी, परवाह नहीं करी किसी की भी। कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, किसान तकलीफ के अंदर है, व्यापारी भी तकलीफ के अंदर है, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, छोटे दुकानदार तकलीफ में हैं, ठेले वाले रेहड़ी वाले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में हैं। जो हमने वादे किए हैं, अभी दोताशाह जी मुझे याद दिला रहे थे 50% ज्यादा वादे पूरे किए हमने। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, 1,40,000 कृषि कनेक्शन में जारी किए, सोलर पंप हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो खेतों पर, तमाम जो वादे किए हमने उसमें 50% ज्यादा हमने पूरे किए हैं। हम चाहेंगे क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या लाकर राजस्थान सरकार विधानसभा में लाकर के क्या लाभ दे सकती है, उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, और जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार का फैसला। तो सुना आपने, सीएम ने क्या कुछ कहा इसका?